Now next C program again based on string operation. Check that two strings are anagram or not. Means agar just is case mein test kya karenge? Agar aapke paas two input string available hai, two input string ke respect mein check karenge. Means both strings are anagram or not. तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय एनाग्राम स्ट्रिंग्स और एनाग्राम प्रॉपर्टी. एनाग्राम प्रॉपर्टी के जस्ट मीनिंग के अगर आपके पास टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं, टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ मींस जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, इस कोई भी कैरेक्टर अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में वन टाइम रिपीट हुआ है या वन टाइम ऑकर हुआ है, सेकंड स्ट्रिंग में भी इसका ऑकरेंस क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वन. अगर कोई कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर टू टाइम्स रिपीट हुआ है, देन सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी इसका ऑकरेंस क्या होना चाहिए, ऑल्सो टू. मीन्स अगर टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के केसेस में अगर इनके कैरेक्टर्स के ऑकरेंस सेम है, लेकिन इनके ऑकरेंस सॉरी ऑर्डर कैसे हैं, ऑर्डर मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, देन इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे एज एनाग्राम स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल सम स्ट्रिंग्स आर लाइक अ स्टेट, स्टेट, देन इसका इक्विवेलेंट एनाग्राम स्ट्रिंग क्या हो सकता है, टेस्ट. चेक करो इस केस में फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, लेंथ मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, फाइव. अगर टू स्ट्रिंग्स एनाग्राम देन 100% इनके लेंथ भी कैसे होंगे, ऑलवेज सेम. लेकिन अगर टू स्ट्रिंग के लेंथ सेम है, देन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एनाग्राम होंगे, लेकिन एनाग्राम स्ट्रिंग के केस में लेंथ ऑलवेज कैसे होंगे, सेम. फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, या फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में इसका लेंथ क्या है, फाइव, और सेकेंड स्ट्रिंग का लेंथ भी क्या है, ऑल्सो फाइव. फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, एस टी ए टी ई. फर्स्ट केस में चेक करो, इस केस में एस का ऑकरेंस क्या है, एस कितनी बार ऑकर हुआ, ओनली वन टाइम. सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी एस कितनी बार रिपीट हुआ, ओनली वन टाइम्स. नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, टी. टी के केस में बात करें तो टी का फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ऑकरेंस कितने हैं, देयर आर टू ऑकरेंस ऑफ टी. सेकंड स्ट्रिंग के केस में बात करें, सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी टी के टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस कितने हैं, ऑल्सो टू. थर्ड केस कैरेक्टर ए, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ए के कितने ऑकरेंस हैं, ओनली वन, और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर ए भी कितनी बार ऑकर हुआ, ओनली वन टाइम. सेम एज कैरेक्टर ई, ई के रिस्पेक्ट मत करें, टी को ऑलरेडी काउंट कर चुके, तो नेक्स्ट टाइम आपको चेक करने की जरूरत नहीं. मीन्स आपको केवल डिस्टिंक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में काउंट करना. देन ई, ई के केस में ऑकरेंस कितना, ओनली वन. इस केस में ई कितनी बार ऑकर हुआ, ओनली वन टाइम्स. चेक करो इस केस में दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सभी कैरेक्टर्स का फ्रिक्वेंसी और ऑकरेंस कैसा है, एग्जैक्टली सेम. मीन्स वन वन, टू टू, वन वन, वन वन. इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे एज एनाग्राम स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल वन मोर केस, अगर मैंने स्ट्रिंग यूज किया जाए राज, आर ए जे. सेकेंड केस मैंने स्ट्रिंग यूज किया जाए आर ए जे ए. इसे इस केस में स्ट्रिंग कैसे होंगे, एनाग्राम स्ट्रिंग और नॉट अ एनाग्राम, नॉट अ एनाग्राम. रीजन, इसे एनाग्राम के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, दोनों स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स के ऑकरेंस कैसे होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम. लेकिन इनके अपियरेंस और ऑर्डर कैसे हो सकते हैं, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट. जैसे फर्स्ट केस में देखा, फर्स्ट केस में एस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट प्लेस पर अवेलेबल है, जबकि सेकंड स्ट्रिंग के अंदर एस किस ऑर्डर में आया, थर्ड प्लेस पर. एस विल बी अपियर्ड इन थर्ड प्लेस, एस विल बी अपियर्ड इन फर्स्ट प्लेस. मीन्स ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, लेकिन दोनों के केस में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम. सेकंड केस में बात करें, सेकंड केस में अगेन कैरेक्टर्स क्या हैं, आर ए जे. फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर आर के टोटल ऑकरेंस कितने, ओनली वन. सेकंड स्ट्रिंग के अंदर आर का ऑकरेंस कितने, वन. देन सेकंड केस में टेस्ट करेंगे ए के लिए, ए के केस में फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ए के कितने ऑकरेंस हैं, ओनली वन, जबकि सेकंड स्ट्रिंग में ए के कितने ऑकरेंस हैं, टू. थर्ड स्ट्रिंग जे, जे के केस में फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ऑकरेंस कितने, ओनली वन. सेकंड केस में ऑकरेंस कितने, ओनली वन. इसे स्ट्रिंग के केस में अगर इसकी बात करें, इसे स्ट्रिंग कैसा है, एनाग्राम, नॉट एनाग्राम, नॉट एनाग्राम, बिकॉज आर के रिस्पेक्ट में ऑकरेंस कैसे हैं, सेम. जे के रिस्पेक्ट में ऑकरेंस कैसे हैं, सेम. लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें, ये फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वन टाइम अपियर हुआ, जबकि सेकंड स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर एक बार अपियर हुआ, टू टाइम्स. इस केस में स्ट्रिंग को एनाग्राम बोलना पॉसिबल नहीं. वन मोर केस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जस्ट मैंने एक और प्रॉपर्टी कहता था, अगर टू स्ट्रिंग एनाग्राम है, इनके लेंथ भी कैसे होंगे, ऑलवेज सेम. चेक कर सकते हो इस केस में फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ क्या था, थ्री, और सेकंड स्ट्रिंग का लेंथ क्या था, फोर. इस केस में स्ट्रिंग कैसे एनाग्राम और नॉट एनाग्राम, नॉट एनाग्राम. लेकिन अगर टू स्ट्रिंग के लेंथ सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिंग ऑलवेज एनाग्राम होंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्ट्रिंग इज कैट, सेकेंड स्ट्रिंग इज डॉग. कैट और डॉग के केस में बात करें, फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में लेंथ क्या है इसका, थ्री, और सेकंड स्ट्रिंग का भी लेंथ क्या है, ऑल्सो
3। इस दोनों स्ट्रिंग के लेंथ सेम है लेकिन कैरेक्टर्स के ऑकरेंस कैसे हैं, सेम और डिफरेंट है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर सी की बात करें तो सी का कैट में ऑकरेंस कितना है, 1 टाइम, और डॉग के केस में 0 टाइम। इसे सी के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग कैसा, नॉट है एनाग्राम स्ट्रिंग्स। इसे अगर टू स्ट्रिंग एनाग्राम होंगे तो इसके लेंथ ऑलवेज कैसे होंगे, सेम, लेकिन कैरेक्टर्स के ऑकरेंस भी कैसे होना चाहिए, ऑकरेंस शुड बी सेम इन बोथ स्ट्रिंग, बट ऑर्डर मे बी सेम और ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर मे बी डिफरेंट। मीन्स ऑर्डर के केस में चेक नहीं करें, इस केस में चेक किसके रिस्पेक्ट में करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है आपके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स जस्ट इस केस में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगेन सबसे पहले मैं एक सिंपल बेसिक एग्जाम्पल यूज करूंगा, देन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन क्या करूंगा, हाउ टू क्रिएटिंग लॉजिक्स। एक बार आपने लॉजिक्स बिल्डअप कर लिए देन फाइनली राइट डाउन करेंगे सोर्स कोड। लॉजिक के रिस्पेक्ट में बात करें, जस्ट मैं एज अ एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस वन, और एस वन रिप्रेजेंट कर इसको, तो स्ट्रिंग को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए और बी के थ्रू। तो ए के केस में स्ट्रिंग क्या, समथिंग टेस्ट, और सेकेंड स्ट्रिंग क्या, अगेन स्टेट। इसे दोनों स्ट्रिंग कैसे, एनाग्राम। लेकिन इसके लिए आप लॉजिक मीन सोर्स कोड वाइज या प्रोग्रामिंग वाइज किस टाइप से लॉजिक इंप्लीमेंट करो, सब कुछ मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा। एनाग्राम स्ट्रिंग के अदर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मे बी थिंग एंड नाइट। अगर आप बात करें तो स्ट्रिंग एज थिंग एंड नाइट, मैं यहाँ केस इनसेंसिटिव की बात करूँ, एज ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, थिंग एंड नाइट। दोनों स्ट्रिंग भी कैसे हैं, ऑल्सो एनाग्राम, सेम एज कैट एंड एक्ट। ये दोनों स्ट्रिंग भी कैसे हैं, ऑल्सो एनाग्राम स्ट्रिंग, क्योंकि इस केस में दोनों स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऑकरेंस कैसे हैं, सेम, लेकिन ऑर्डर कैसे हैं, सेम और डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर। नेक्स्ट में इस केस में जस्ट एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं टू स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, टेस्ट एंड स्टेट। सबसे पहले मीन्स अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल गिवन है ए और बी, तो सबसे पहले मैं इसको डायग्राम्स के फॉर्म में राइट डाउन कर रहा हूँ। अभी करेंटली से स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, 5, मीन्स लेंथ क्या है, 5, ठीक है। रियल केस में जब आप रन टाइम पर इनपुट एंटर करोगे एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पॉसिबल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में टोटल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हैं, एस टी ए एंड ई, टी के ऑकरेंस कितने थे, 2 टाइम्स। इसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने इस केस में, 4 कैरेक्टर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस, सी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज किस टाइप के कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, आस्की कैरेक्टर सेट, और आस्की कैरेक्टर सेट के अंदर डिस्टिंक्ट पॉसिबल कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 256। क्लियर। इस टोटल किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, देयर मे बी चांस ऑफ हैविंग 256 कैरेक्टर्स। तो इस केस में जस्ट लॉजिक में 256 कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में इंप्लीमेंट करूंगा, न कि 4 कैरेक्टर्स। क्लियर। जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आपके पास स्ट्रिंग में ऑलवेज 4 कैरेक्टर्स होंगे। प्लस प्रोग्राम में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इस डिफरेंट केस ले रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स यूज करना जिसका आपको आस्की वैल्यू क्लियर है। आस्की वैल्यू के रिस्पेक्ट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर ए, व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ ए, 65। आस्की वैल्यू ऑफ बी, 66। आस्की वैल्यू ऑफ सी, 67। आस्की वैल्यू ऑफ डी, 68। मैं ओनली 4 कैरेक्टर्स का यूज करके स्ट्रिंग राइट डाउन कर रहा हूँ, इस जैसे इसके प्लेस पर यूज क्या करें, डिफरेंट स्ट्रिंग्स। डिफरेंट स्ट्रिंग की केस में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन से आप स्ट्रिंग क्या बना सकते हो, लाइक सी ए बी डी ए, कैबड़ा, ओके। इस केस में ए के ऑकरेंस कितने हैं, 2, बी के ऑकरेंस कितने हैं, 1, डी के ऑकरेंस कितने हैं, 1, सी का ऑकरेंस कितना है, ओनली 1। अदर स्ट्रिंग डी ए बी सी ए, चेक करो अगर ये दोनों स्ट्रिंग कैसे हैं, बोथ आर एनाग्राम, क्योंकि इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर में दोनों स्ट्रिंग में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या हैं, ए बी सी डी। तो फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करें, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ए के ऑकरेंस कितने हैं, 2, और सेकेंड स्ट्रिंग में भी ए के ऑकरेंस कितने हैं, ऑल्सो 2। फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर बी के ऑकरेंस कितने हैं, 1, और सेकेंड स्ट्रिंग में बी के ऑकरेंस कितने हैं, 1। फर्स्ट स्ट्रिंग में सी के ऑकरेंस कितने हैं, 1, सेकेंड में भी सी के ऑकरेंस कितने हैं, 1, डी ओनली 1 1। इसे इस केस में चेक कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे हैं, सेम कैरेक्टर्स, और इनके ऑकरेंस भी कैसे हैं, ऑल्सो सेम, लेकिन इनके सीक्वेंस और ऑर्डर कैसे हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स, ऑर्डर डजंट मैटर। मीन्स फाइनली मैंने इस केस में 2 स्ट्रिंग्स यूज किए हैं,
प्लस मैंने इनकी आस्की वैल्यू राइट डाउन कर दी, क्योंकि जस्ट मैं जस्ट अभी ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, सारे ऑपरेशंस आस्की वैल्यूज के बेसिस पर परफॉर्म करेंगे। क्लियर? तो इस केस में स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कितने, 5, प्लस स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे हुआ, नल से, तो टोटल इसका लेंथ क्या हुआ, एग्जैक्टली 6। लेंथ क्या रहेगा इस केस में, 6। फर्स्ट स्ट्रिंग ए के केस मैंने कंटेंट्स क्या साइन किए हैं, कैबड़ा, सी ए बी डी ए एंड नल। सेकेंड स्ट्रिंग ऑल्सो वी आर यूजिंग एज स्ट्रिंग बी, बी के केस में भी एग्जैक्टली कैरेक्टर्स कितने हैं, 5, लेकिन ये टर्मिनेट किससे हुआ, नल से, तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हुए, 6, इसलिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे 6 बाइट्स। देन अगेन, लेकिन सेकेंड केस में स्ट्रिंग क्या है, डी ए बी सी ए एंड नल। क्लियर? दीज आर कैरेक्टर्स। क्यों, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर किस फॉर्म में स्टोर हो, इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसके आस्की वैल्यू राइट डाउन कर रखे हैं, जिससे आपकी बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग सोर्स कोड। क्लियर? देखा जाए तो दोनों स्ट्रिंग कैसे हैं, एनाग्राम और नॉन एनाग्राम, बोथ स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। फर्स्ट स्टेप मीन आपके पास, अभी तो मैंने सिंपली स्ट्रिंग प्रोवाइड किए, देन चेक करे हुए, चेक करने के लिए फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको दोनों स्ट्रिंग के लेंथ चेक करने होगा, दोनों स्ट्रिंग के लेंथ एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग एनाग्राम, तो इसका मतलब क्या है, आप चेक करने के लिए एप्लीकेबल स्ट्रिंग्स हो सकता है एनाग्राम, अगर लेंथ डिफरेंट है तो आप इनिशियली श्योर हो जाओगे स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। देन अगर स्ट्रिंग, मैं जस्ट अभी वैलिड केस के केस में लॉजिक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वैलिड केस मीन्स कि अगर दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है, देन एनाग्राम के केस में आप फाइंड आउट कैसे करोगे, मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर या सभी कैरेक्टर का ऑकरेंस सेकंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर के ऑकरेंस से मैच करोगे, तो सबसे पहले आप 2 सेपरेट एरे क्रिएट करोगे, फर्स्ट एरे के अंदर स्टोर क्या कराएंगे, एरे ए में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर का ऑकरेंस स्टोर कराएंगे, सेम है सेकेंड एरे के केस में स्टोर क्या कराएंगे, ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर अवेलेबल इन साइड स्ट्रिंग बी, मीन्स 2 डिफरेंट स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन कैरेक्टर्स के ऑकरेंसेस को स्टोर करने के लिए 2 सेपरेट इंटीजर एरे क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन है कि इसे इंटीजर एरे का साइज क्या हुआ, अगर करेंट इनपुट के अकॉर्डिंग बात करें तो करेंट इनपुट में मैक्सिमम टाइप्स और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं, 4, तो इस केस में 4 साइज का एरे सफिशियंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा इस केस में, अभी तो मैंने 4 कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में लॉजिक्स को राइट डाउन किया, लेकिन रियल केस में मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने पॉसिबल होंगे सी लैंग्वेज में, देयर मे बी चांस ऑफ हैविंग 256 डिस्टिंक्ट सिंबल्स। अगर इनमें से मैं लॉजिक्स किस के लिए राइट कर रहा हूँ, आप कोई भी इनपुट एंटर कर सकते हो, मे बी स्पेशल सिंबल्स, मे बी डिजिट्स लाइक दैट, इसलिए मीन से लॉजिक सभी केस में वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1M1, दिस इज सम स्ट्रिंग, सेकेंड केस में स्ट्रिंग क्या है, M11, ये दोनों स्ट्रिंग कैसे हैं, अगेन एनाग्राम, लेकिन इसके अंदर सिंबल्स के साथ साथ, सॉरी अल्फाबेट्स के साथ साथ अवेलेबल का डिजिट सेम है, मे बी स्पेशल सिंबल्स लाइक दैट, तो मीन से मैं कोई मीन से जो भी लॉजिक से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, लॉजिक ऐसे होना चाहिए जो कि सभी इनपुट्स के रिस्पेक्ट में वर्क करना चाहिए, नॉट ओनली अल्फाबेट्स। तो टोटल सी लैंग्वेज में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने पॉसिबल, 256। तो इस केस में जब आप कैरेक्टर्स के ऑकरेंसेस को काउंट कराओगे, तो ऑकरेंसेस कितने कैरेक्टर्स के लिए मैनेज करेंगे, 4 कैरेक्टर्स के लिए, 256 कैरेक्टर्स के लिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपको ये ऑकरेंसेस केवल करेंट स्ट्रिंग के लिए चेक नहीं करना, मीन से ऐसे ऑकरेंस मैनेज करना जो सभी केस में वर्क करें, फॉर एनी इनपुट स्ट्रिंग। क्लियर? तो इस केस में मीन से किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 256, और 256 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर्स का ऑकरेंस मैनेज करने के लिए और भी आप क्रिएट किया करो 2 डिफरेंट इंटीजर एरे। तो इंटीजर एरे कितने रिक्वायर्ड है, 2 एरे। फर्स्ट एरे के अंदर मैनेज क्या करेंगे, ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर अवेलेबल इनसाइड स्ट्रिंग ए, सेकंड एरे में मैनेज करेंगे ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज अवेलेबल इनसाइड स्ट्रिंग बी। क्लियर? प्लस एरे का साइज क्या लोगे, 256 लाइक दैट। सपोज दैट मैंने 2 इंटीजर एरे क्रिएट किए, फर्स्ट एरे में मैनेज क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ एरे ए, इसलिए मैं इसको नेम प्रोवाइड कराएगा सी ए, सी ए स्टैंड्स फॉर काउंट एरे ए, साइज क्या लेंगे इसके 256, प्लस बाय डिफॉल्ट सभी एलिमेंट का ऑकरेंस क्या कंसीडर करोगे, ऑलवेज 0, मीन से डिफॉल्ट ऑकरेंस क्या रहेगा, ऑलवेज 0, मीन आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करो, फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, तो एरे के अंदर सभी एलिमेंट का इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो आपको पता होना चाहिए पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में अगर एक भी एरे एलिमेंट इनिशियलाइज किया है, रिमेनिंग अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट का भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ऑल्सो 0। फर्स्ट एलिमेंट का भी वैल्यू क्या सान हो रहा है, 0, और रिमेनिंग एलिमेंट का भी वैल्यू क्या होगा, 0। सिमिलरली
एक और एरे मैनेज करेंगे इंटीजर काउंट ऑफ बी सी बी। इस फर्स्ट एरे के अंदर काउंटिंग किसके लिए मैनेज करेंगे, स्ट्रिंग ए के लिए। सेकंड एरे के अंदर काउंटिंग किसके लिए मैनेज करेंगे, स्ट्रिंग बी के लिए। इसलिए मीन्स अगर आप टू स्ट्रिंग को मैनेज कर रहे हो, एनाग्राम कितने स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग, तो काउंटिंग भी कितने स्ट्रिंग के लिए मैनेज करना होगा, टू स्ट्रिंग्स। अगेन साइड 256, इनिशियल वैल्यू है 0 0। इस केस में जब ये एरे क्रिएट होगा तो इसे दोनों ही केसेस में एरे का लेंथ क्या होगा, वन मोर केस स्पेशली याद रखना, एरे किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। एक और केस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर हो सकता है सेम प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स मिले, लेकिन मैं आपको जो भी प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ इस प्रोग्राम्स के थ्रू, मीन्स इसका कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेस्ट होगा। मीन्स अदर प्रोग्राम एक और है, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा जिस केस में लॉजिक से एग्जीक्यूट करने का कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एन मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर अवेलेबल इन साइड स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देन मीन्स अगर स्ट्रिंग के अंदर एन कैरेक्टर्स हैं, देन उसके इसमें ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म होगी, एन स्क्वायर टाइम्स। अगर स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर हैं, देन ऑकरेंस क्या है वो, सॉरी ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म, 5 to the power 2 मीन्स 25 टाइम्स। लेकिन करेंटली मैं जो प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, सिंपली ऑर्डर ऑफ एन। अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर प्रोवाइड किए हैं, देन इस केस में अप्रॉक्सीमेट ऑपरेशंस भी कितने होंगे, ऑल्सो 5। क्लियर, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिवन लॉजिक्स। मीन्स आपको जो भी लॉजिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लॉजिक्स के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ एन। रीजन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मीन्स अदर लॉजिक क्या है इस केस में, फर्स्ट कैरेक्टर को मीन्स फर्स्ट के जो भी कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर का ऑकरेंस पहले आप फर्स्ट स्ट्रिंग में काउंट करो, देन सेकंड स्ट्रिंग में काउंट करो, दोनों ही केसेस में ऑकरेंस सेम है, देन सेकंड स्ट्रिंग के लिए सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें। ये ऑपरेशन 5 कैरेक्टर के लिए एवरी टाइम सभी प्लेस पर काउंट करो, तो मीन्स ये ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म, 25 टाइम्स, लेकिन करंट केस में ओनली अप्रॉक्सीमेटली एन टाइम्स। क्लियर, चेक इट मीन्स फाइनली सब मीन्स। लेकिन इस केस में ये एडवांटेज आपको प्रोवाइड कौन करेगा, सेपरेट इंटीजर एरे। लेकिन अगर आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू जाते हो, देन उस केस में आपको कोई एक्स्ट्रा इंटीजर एरे क्रिएट करने की नीड नहीं होगी। लेकिन इस केस में आपको रिक्वायर्ड क्या, 2 सेपरेट एरे। आपके पास दोनों ही चॉइस हैं, जिस लॉजिक्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहते हो दोनों ही केस एप्लीकेबल है। देन फर्स्ट केस में एरे का नेम क्या, सी ऑफ सी ए, एरे का नेम क्या इस केस में, सी ए। देन एलिमेंट्स मैं जस्ट सारे के सारे लोकेशंस मेरे लिए रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं डायग्राम में, इसलिए ओनली रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स ही रिप्रेजेंट करो। इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रिंग यूज किया गया एग्जांपल, इस केस में आपके लिए आस्की वैल्यू इजीली मैनेज करना पॉसिबल, क्योंकि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने, ओनली 4। क्लियर, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा, 0 1, देन सम 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड सो ऑन, 254 एंड 255। सिमिलरली एक और एरे क्या क्रिएट हो रहा है, सी ए सी बी, सी बी का भी साइज क्या है, ऑल्सो 256। वन मोर थिंग्स, फर्स्ट एलिमेंट में साइन क्या हो रहा है, वैल्यू है 0, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल्सो 0, अकॉर्डिंग टू पार्शियल इनिशियलाइजेशन प्रॉपर्टीज। सभी एलिमेंट्स में डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या साइन होगा, 0 0 0। क्लियर, इज द फर्स्ट एरे। सिमिलरली एक और एरे क्रिएट हो रहा है, सी ऑफ बी, तो सी ऑफ बी में सेम प्लेस पर आइटम कर रहा हूँ। देन सेकेंड एरे के केस में इसका नेम क्या, सी बी, अगेन दोनों के साइज कैसे हैं, सेम, रिमेनिंग एलिमेंट्स दोनों के अंदर एलिमेंट्स के इंडेक्सेस भी कैसे हैं, ऑल्सो सेम। फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या आपके लिए, इस आपको डायरेक्टली लेंथ काउंट करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आप क्रिएट क्या करोगे, 2 इंटीजर एरे। इन एरे को क्रिएट करने का पर्पज क्या है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, 2 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के ऑकरेंस सेपरेट एरे के फॉर्म में मैनेज करना। एक बार आपने एरे में ऑकरेंस स्टोर करा लिए, देन इनके ऑकरेंसेस को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, अगर सारे के सारे ऑकरेंस मैच हो रहे हैं, देन स्ट्रिंग कैसा हुआ, एनाग्राम। अगर एक भी मिसमैच ऑकरेंस फाउंड होता, देन स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। देन अगेन इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट का गया 0, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स में भी आसानी का हो जाएगा, ऑल्सो 0 0। दोनों के साइज कैसे हैं, सेम, इसलिए दोनों ही केसेस में एलिमेंट के इंडेक्स भी कैसे होंगे, ऑल्सो सेम। प्लस इस केस में वन मोर थिंग्स, आप स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर असाइन करोगे सी लैंग्वेज के अंदर, टोटल कैरेक्टर्स कितने पॉसिबल है, 256, तो कैरेक्टर के आस्की वैल्यूज भी कितने पॉसिबल होंगे, 0 टू
255 प्लस इस केस में एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट के केस में भी मीन्स इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या 255 मीन्स जितने भी कैरेक्टर्स होंगे कोई ना कोई कैरेक्टर मीन्स जितने सभी कैरेक्टर्स के आस्की वैल्यू एरे के अंदर वर्क करेंगे एज अ इंडेक्सिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे ही किसी स्ट्रिंग ए में या बी में कैरेक्टर ए फाउंड हो रहा है तो कैरेक्टर ए के केस में ए का ऑकरेंस किस प्लेस पर स्टोर करा हुआ है एरे के अंदर इस आपको कैसे पता चलेगा बाद में कि किस इंडेक्स में किस कैरेक्टर का ऑकरेंस अवेलेबल है तो इस केस में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स के ऑकरेंसेस स्टोर करोगे अकॉर्डिंग टू देयर आस्की वैल्यू जैसे ए का आस्की वैल्यू क्या है 65 तो इस केस में ए के ऑकरेंस किस इंडेक्स में मैनेज करेंगे 65 इंडेक्स मीन 65 इंडेक्स में सन क्या कराएंगे ऑकरेंस ऑफ ए 66 इंडेक्स में सन क्या कराएंगे ऑकरेंस ऑफ बी 67 इंडेक्स में सन क्या कराऊंगे ऑकरेंस ऑफ सी सिमिलरली ऑकरेंस ऑफ डी एंड सो ऑन क्लियर लाइक दैट ठीक है मैं स्पेशली यहाँ कॉन्सल्ट्रेट किसको कर रहा हूँ ओनली ए बी सी डी क्योंकि जो भी मैंने स्ट्रिंग एज इनपुट यूज किए उनके अंदर कैरेक्टर्स भी कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स भी कितने फाउंड हो रहे हैं ओनली ए बी सी डी जिससे आपके लिए एग्जाम्पल ईजिली समझना पॉसिबल लेकिन रियल स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो देन जो भी आप सिम्बल प्रोवाइड करोगे फॉर एग्जाम्पल स्पेस अगर स्पेस प्रोवाइड किया आपने किसी स्ट्रिंग में देन स्पेस के रिस्पेक्ट में स्पेस का आस्की वैल्यू क्या होता है 32 देन स्पेस किस प्लेस पर मैनेज करोगे सम लोकेशन एज सम मिडिल लोकेशन एज 32 मीन सम सपोज इंडेक्स क्या इसका 32 और 32 इंडेक्स में हम क्या कराओगे मैनेज क्या करोगे आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस लाइक दैट क्लियर यहाँ स्पेस की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास पॉसिबल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या हैं ए बी सी डी देन फर्स्ट केस सबसे पहले अभी मैंने ओनली सिंपली एरे क्रिएट किए एरे का टाइप क्या है इस केस में सिंपली इंटीजर एरे नेक्स्ट वन स्पेस से मैं जस्ट लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे टू स्ट्रिंग्स प्लस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे अगर टू स्ट्रिंग्स एनाग्राम है तो रिटर्न कराएंगे ट्रू अगर स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं है तो रिटर्न क्या कराएंगे फॉल्स तो ट्रू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट वन फॉल्स को रिप्रेजेंट करेंगे या जीरो मीन्स इस केस में इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ आइदर वन और जीरो तो इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज इंटीजर टाइप फंक्शन नेम में यूज कर रहा हूं इज एनाग्राम अगर दोनों स्ट्रिंग अगर एनाग्राम तो रिटर्न क्या कराएंगे ट्रू अदरवाइज फॉल्स इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे अगेन टू इनपुट्स कैर स्टार ए और बी देन इस केस में सबसे पहले इनिशियली क्रिएट किया हो रहा है टू इंटीजर एरे इंट ए साइज क्या है इसका 256 इनिशियल वैल्यू 0 सिमिलरली वन मोर एरे है इस केस में एरे का नेम यूज कर रहा हूं मैं सी ए सी मीन्स काउंट ए मीन्स इस केस में काउंट किसका मैनेज करेंगे स्ट्रिंग ए का क्लियर सेम है सेकेंड केस सी बी के केस में सी का मीनिंग क्या है इस केस में सी मीन्स काउंट ऑफ एरे बी और स्ट्रिंग बी लेकिन इस केस में साइज क्या यूज करेंगे सेम साइज 256 प्लस फर्स्ट एलिमेंट का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है जीरो से तो रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा ऑल्सो जीरो प्लस इस केस में इंडेक्सिंग को मैनेज करने के लिए जस्ट मैं वेरिएबल यूज करूंगा एज अ इंटीजर एल एल स्टैंड फॉर लेंथ और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नेक्स्ट वन लेंथ का मीन्स अभी तक मैंने एरे को रिप्रेजेंट किया था आई से लेकिन यहाँ आई के प्लेस में यूज करा एल बिकॉज एल स्टैंड फॉर लेंथ मीन्स एल इस केस में इंडेक्स को भी मैनेज करेगा प्लस इंडेक्स के साथ साथ लेंथ भी मैनेज करेगा मीन्स दोनों केस में वर्क करेगा ये नेक्स्ट वन सबसे पहले एरे क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या है मीन्स जो भी आपका स्ट्रिंग है मीन्स दोनों स्ट्रिंग को वन बाई वन आप रीड करोगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 दोनों स्ट्रिंग के लेंथ भी कैसे सेम प्लस इंडेक्सिंग तो इंडेक्सिंग के केस में आप दोनों स्ट्रिंग एक मीन्स फर्स्ट के अगर दोनों के लेंथ सेम होंगे अगर स्ट्रिंग रियल में एनाग्राम है दोनों के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होंगे सेम प्लस नंबर ऑफ लेंथ भी कैसा होगा एग्जैक्टली सेम अगर सेम लेंथ है मीन्स अगर आपके पास टू चॉइस हैं इस केस में जस्ट काउंट क्या कराना है जस्ट ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर प्लस ऑकरेंस काउंट करने के बाद स्टोक इसमें कराना है करेस्पॉन्डिंग इंटीजर एरे इस केस में या तो आप दोनों ही स्ट्रिंग के काउंट वैल्यू या काउंटर को मैनेज करने टू सेपरेट लूप क्रिएट कर सकते हैं सिंगल लूप में भी मैनेज करना पॉसिबल है क्योंकि सिंगल लूप में मैनेज करना पॉसिबल बिकॉज दोनों स्ट्रिंग के केसेस में इंडेक्स वैल्यू कैसे हैं एग्जैक्टली सेम और लेंथ कैसा सेम लेंथ सेम है देन ओनली स्ट्रिंग कैसा हुआ एनाग्राम अदरवाइज कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा तो फेल के लिए मैं कंडीशन बाद में प्रोवाइड करूंगा सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है मीन्स स्ट्रिंग ए के फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इस केस में
कैरेक्टर एच सी, क्लियर। इसे इसको फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज क्या करेंगे, फॉर लूप, और फॉर लूप के कैसे लूप को मैनेज कैसे करें, इंडेक्स वेरिएबल एच एल, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, जीरो। देन ये लूप कब तक चलाना है, जब तक एरे ए में या एरे बी में नल नहीं मिल जाता, मीन्स अगर दोनों में से किसी भी एक में नल फाउंड होता है तो इमीडिएटली स्टॉप करना है। अगर स्ट्रिंग एनाग्राम होंगे देन दोनों ही केस में नल सेम पोजिशन में होंगे, मीन सेम इंडेक्स में, चेक कर सकते हो फर्स्ट केस में नल किस इंडेक्स में, फाइव में, और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी नल किस इंडेक्स में, फाइव में। देन अगर दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर नल सेम पोजिशन में अवेलेबल है, इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग कैसे हैं विद सेम लेंथ, मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिंग एनाग्राम, इसका मतलब क्या, मीन्स दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है। अगर दोनों स्ट्रिंग के लेंथ डिफरेंट होंगे देन 100% नल के पोजीशन दोनों के अंदर कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, क्लियर। तो इस केस में, करंट केस में जस्ट लूप कब तक चलाना, अगर एक भी स्ट्रिंग में नल मिल जाता देन आपको लूप स्टॉप करना है, क्लियर। देन इस केस में इफ एरे ए ऑफ एल, अगर एल्थ इंडेक्स में एरे ए के अंदर नल मिलता है, नल मींस जीरो, तो जीरो के मींस में जीरो केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड हो सकता है एरे ए के अंदर नल मींस एरे बी के अंदर ए से पहले नल फाउंड हो रहा है, हो सकता है ए के अंदर नल फिफ्थ पोजीशन में और बी के अंदर नल सेकेंड या थर्ड पोजिशन में फाउंड हो, तो इसलिए बी के लिए भी कंडीशन अप्लाई करोगे, इफ बी ऑफ एल, एल मींस इंडेक्स, अरे इनमें से किसी भी एक स्ट्रिंग में नल फाउंड होता है तो नल मीन्स क्या हुआ, जीरो, और जीरो के अकॉर्डिंग कंडीशन कैसा हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स से कंट्रोल बाहर आएगा, बाहर आएगा इसका मतलब कि आपको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं। देन एवरी टाइम इंडेक्स में डिफरेंस कितने का वन का, तो एल में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, वन से, एल प्लस प्लस। देन इसके मैंने सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं किया, इसके साथ साथ आपको परफॉर्म क्या कराना है, मीन्स सी ए और सी बी में आपको इंक्रीमेंट कराना है, मीन्स इंक्रीमेंट किसमें कराना है, सी ए एलिमेंट ऑफ सी ए प्लस प्लस, सेम एज एलिमेंट ऑफ सी बी प्लस प्लस, लेकिन किस इंडेक्स में इंक्रीमेंट कराना डिपेंड करेगा, सी ए के अंदर जस्ट फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ तो लूप के अंदर क्रिएट किया हो रहा वेरिएबल एल, एल के केस में आप चेक कर सकते हो एल का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ, जस्ट जीरो से, तो इस केस में फर्स्ट टाइम आप ए के केस में, मीन्स इस केस में अगर स्ट्रिंग ए यूज कर दें तो ए के केस में जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर है, कैरेक्टर सी, तो इस केस में आप एरे ए सी ए के अंदर आप काउंटिंग किसके लिए मैनेज कराओगे, कैरेक्टर सी के लिए, लेकिन सी का काउंटिंग किस इंडेक्स में होना चाहिए, सी का आस्की वैल्यू क्या है, 67, तो उसका काउंटिंग वैल्यू किस एलिमेंट को इंक्रीज करेगा, मीन्स जिस एलिमेंट का इंडेक्स 67 इनसाइड सी ए, इन साइड सी ए, तो इसके साथ फाइनली आप राइट डाउन क्या कराओगे, मीन्स आप विजिट किसको कर रहे हो, ए ऑफ एल और बी ऑफ एल, और ए ऑफ एल मीन्स इसको मैं बाद में राइट कर रहा हूँ, पहले मैं काउंटिंग किसके लिए करा रहा हूँ, एरे ए के एलिमेंट्स के लिए, एरे ए के एलिमेंट्स को अगर काउंट करना, तो इसके साथ जस्ट राइट डाउन क्या करेंगे, ए के केस में फर्स्ट एलिमेंट क्या सी, और सी रियल में स्टोर क्या है, ए ऑफ जीरो, तो स्पेस पर सी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज क्या करेंगे, ए ऑफ जीरो, लेकिन जीरो फिक्स्ड हो जाएगा, जीरो के प्लेस पर यूज क्या करें, जीरो किस में स्टोर है, वेरिएबल एल में, क्लियर। इस केस में जस्ट फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, चेक इट, सी ए ए ऑफ एल, एल के प्लेस पर एल का वैल्यू रिप्लेस करेंगे जस्ट जीरो, देन प्लस प्लस, सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व हुआ, इनर ब्रैकेट के अंदर ए ऑफ जीरो के प्लेस पर ए ऑफ जीरो का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, और ए ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है, कैरेक्टर सी, क्लियर। देन प्लस प्लस, देन सी ए सी के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ, सी का आस्की वैल्यू, और सी का आस्की वैल्यू क्या है, 67, तो यार फाइनली इसका मतलब क्या है, ए ऑफ एल में एलिमेंट क्या फाउंड हो रहा है, सी, तो इसका मतलब आप ऑक्रेंस भी किसका काउंट करोगे, सी के लिए, और सी का ऑक्रेंस एरे सी ए के अंदर किस इंडेक्स पर स्टोर कराओगे, 67 वाले इंडेक्स में, और ऑलरेडी सभी इंडेक्स में क्या स्टोर है, वैल्यू है जीरो, इसका मतलब सी ए 66 में जब इंक्रीमेंट होगा तो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो, इंक्रीमेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, दिस इज द एरे सी ए, सी ए के अंदर किस एलिमेंट, मीन इंडेक्स वैल्यू का 67, और 67 किस एलिमेंट का इंडेक्स है, दैट प्लेस, तो इस प्लेस में एग्जिस्टिंग वैल्यू का जीरो, इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू एज वन, क्लियर। इस केस में फर्स्ट एरे ए के फर्स्ट एलिमेंट सी का ऑकरेंस कैसे मैनेज किया, सी ए में, और सी ए के अंदर किस प्लेस पर मैनेज किया डिपेंड करे, जिस कैरेक्टर को आप मैनेज करो उस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या है, उस कैरेक्टर का मीन पर्टिकुलर कैरेक्टर का आस्की वैल्यू एंड काउंटिंग एरे के लिए वर्क करेगा एज अ इंडेक्स, क्लियर, जिससे आपको बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, आपको एक्स्ट्रा इफेंस कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं हुई।
सेम है, सेम टाइम पर आप काउंट किसके लिए कर सकते हो, ऑकरेंस ऑफ एरे बी, क्योंकि एरे बी के एलिमेंट का ऑकरेंस किसमें स्टोर कराओ, सी ए में या सी बी में, सी बी में, तो सेम किस किसके लिए राइट डाउन करें, सी बी, इस प्लेस पर ऑकरेंस किस एलिमेंट के लिए कराना है, अरे ए के एलिमेंट के लिए, अरे बी के एलिमेंट के लिए, अरे बी के एलिमेंट के लिए, तो अगेन मैंने राइट डाउन किया बी ऑफ एल प्लस प्लस, अगेन इसे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर दो, या थोड़ा सा गैप देकर लिख रहा हूँ जिससे मेरे लिए बाद में सॉल्व करना पॉसिबल होगा, सी ऑफ बी बी ऑफ एल प्लस प्लस, नेक्स्ट टाइम इस केस में चेक कर सकते हो बी ऑफ एल, सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, बी सी बी ऑफ एल, तो बी ऑफ एल में एल का वैल्यू क्या है, जीरो, क्लियर, चेक कर सकते हो बी जीरो में क्या स्टोर है, बी जीरो के अंदर क्या कैरेक्टर डी, मीन्स सेम टाइम पे जब लूप के अंदर एल का वैल्यू जीरो था तो उस केस में जीरो थ इंडेक्स में ए के अंदर कैरेक्टर सी था, इसलिए एरे सी ए में आपने ऑकरेंस किसका इंक्रीज कराया, सी का, लेकिन इस केस में सी बी के रिस्पेक्ट में सी बी के अंदर क्या पास हुआ, डी, और डी का आज की वैल्यू क्या 67 और 68, तो स्पेस पर पास करा 68, तो इस केस में किस एलिमेंट के वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, एरे सी बी के 68th इंडेक्स वाले एलिमेंट का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और सी बी के अंदर जिस प्लेस पर 68 जिस एलिमेंट का इंडेक्स 68 है उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो, जब इंक्रीमेंट होगा तो उसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू बिकम्स 1, सॉरी इंक्रीमेंट किस प्लेस पर हुआ है, इंडेक्स क्या 68, और एरे सी और सी बी, सी बी इस केस में इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, मीन्स सी ए के अंदर सी का ऑकरेंस काउंट हो चुका है, मीन्स दैट एलिमेंट, और बी के अंदर डी का ऑकरेंस काउंट हुआ, क्लियर, इसका मतलब क्या, एरे ए के अंदर सी वन टाइम एफ्यूर हो चुका है, एरे बी के अंदर डी वन टाइम एफ्यूर हो चुका है, नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा, जस्ट प्लस प्लस, मीन्स क्लोज दिस लूप, एल प्लस प्लस, एल प्लस प्लस होगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, एल का वैल्यू 1 होने के साथ साथ फिर से कंडीशन टेस्ट हुआ, ए ऑफ एल मीन्स ए ऑफ 1, और ए ऑफ 1 में क्या स्टोर है, कैरेक्टर ए, आज की वैल्यू क्या है, 0 नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेम एज एंड के केस में सेकेंड कंडीशन टेस्ट हुआ, बी ऑफ एल, एल का वैल्यू क्या है, 1, तो बी ऑफ एल मीन्स एरे बी के अंदर भी 1 इंडेक्स में क्या है, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो मीन्स इस केस में एंड फोर लूप के अंदर एंड के दोनों ही कंडीशन ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, देन फोर लूप का ओवरऑल कंडीशन कंसिडर होगा या ट्रू, देन अगेन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर से सप्लाई क्या हो रहा है, ए ऑफ एल, एल का वैल्यू क्या है, 1, और ए ऑफ 1 में क्या स्टोर है, कैरेक्टर ए, तो इस बार सी ओ सी ए के अंदर पास क्या हो रहा है, ए वन का वैल्यू, और ए वन में क्या था, ए मीन्स ए, और ए का आज की वैल्यू क्या 65, तो इस बार इंक्रीमेंट किस प्लेस पर होगा, सी ए ऑफ 65 मीन्स सी ए के 65th वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट में इंक्रीज करा हुए, सी ए के अंदर 65 इंडेक्स में क्या है वैल्यू, 0, 1 से इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इसका मतलब क्या है, मीन्स एरे ए के अंदर कैपिटल ए वन टाइम काउंट हुआ है, काउंट कितनी बार हो चुका है, 1 टाइम, क्योंकि अभी तक एपियर भी कितनी बार हुआ है, 1 टाइम, चेक कर सकते हो सी ए के अंदर अभी ऑकरेंस किसके काउंट हुए हैं, ओनली सी और ए, सी का आज के लिए 67 था इसलिए 67 वाले एलिमेंट का वैल्यू क्या है 1, और ए का आज के लिए 65 था इसलिए 65 एलिमेंट वाले भी इंडेक्स वाले एलिमेंट का वैल्यू क्या है ऑल्सो 1, इसे मैंने जैसे एरे का साइड 256 ही लिया था क्योंकि पॉसिबल आज की वैल्यू क्या हो सकते हैं बिटवीन 0 टू 255, और इंडेक्स भी पॉसिबल क्या है सेम, इसलिए किसी भी कैरेक्टर का ऑकरेंस ईजिली मैनेज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म किसके लिए हुआ सी बी के लिए, सी बी के केस में क्या है बी ऑफ एल और एल का वैल्यू क्या है 1, और बी ऑफ 1 में क्या स्टोर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ऑफ 1, बी ऑफ 1 में क्या है ऑल्सो ए, तो इस प्लेस पर भी क्या पास हो रहा है ऑल्सो कैरेक्टर ए, ए मीन 65, तो इस केस में इंक्रीमेंट किस में होगा सी बी के 65 इंडेक्स वाले एलिमेंट में, 65 इंडेक्स वाले एलिमेंट में सी बी के अंदर एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 0, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मीन इस केस में क्या था दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर सेम पोजिशन में सेम कैरेक्टर फाउंड हुए, जबकि प्रीवियस केस में सेम पोजिशन में सेम कैरेक्टर थे डिफरेंट डिफरेंट, इसका मीनिंग क्या है मीन्स ऑकरेंस सेम होना चाहिए ऑर्डर क्या है डजंट मैटर, नेक्स्ट टाइम अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा एल प्लस प्लस, नाउ एल बिकम्स 2, एल का वैल्यू 2 होगा देन अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ सॉरी बी ऑफ 2, ए ऑफ 2 में क्या स्टोर है कैरेक्टर बी, और इस प्लेस पर भी क्या है ऑल्सो बी, बी के आज की वैल्यू क्या है नॉन जीरो, मीन्स
अगेन एंड के दोनों ही कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर, नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन टू, ट्रू है फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट है तो ए ऑफ एल में एल का वैल्यू पास करेंगे टू और ए ऑफ टू का वैल्यू क्या है बी, तो इस प्लेस पर पास क्या हो रहा है कैरेक्टर बी और कैरेक्टर बी का आस्की वैल्यू क्या है, हट इधर आस्की वैल्यू ऑफ बी 66, तो इसका मीनिंग क्या हुआ सी ए ऑफ बी के प्लेस पर क्या जाएगा 66, किस इंडेक्स वाले एलिमेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा 66 इंडेक्स ऑफ सी ए और सी ए के अंदर 66 इंडेक्स का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है जीरो, करंट वैल्यू क्या हो जाएगा वन, इसका मतलब क्या है कैरेक्टर बी स्ट्रिंग ए के अंदर वन टाइम अपीयर हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट वन सेम है सेकेंड केस में, सेम केस अप्लाई करें बी ऑफ टू और बी ऑफ टू का वैल्यू क्या है ऑल्सो बी, बी देन बी के बाद जस्ट बी का आस्की वैल्यू क्या अगेन 66, लेकिन ये इंक्रीमेंट किस में हो रहा है सी ए में या सी बी में, सी बी में, सी बी के किस इंडेक्स में इंक्रीमेंट करा हुआ है 66 वाले, सी बी 66 एग्जिस्टिंग वैल्यू जीरो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली वन, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन एल में इंक्रीमेंट होगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, देन थर्ड इंडेक्स में क्या है जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो, बी के अंदर भी थर्ड इंडेक्स में क्या है नॉन जीरो, इस लूप का कंडीशन कैसा है ट्रू, लूप का कंडीशन ट्रू, देन अगेन इस प्लेस पर इंक्रीमेंट कराएंगे सी ए ए ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल थ्री, ए ऑफ थ्री प्लस प्लस और ए ऑफ थ्री के प्लेस पर ए ऑफ थ्री का वैल्यू क्या रिप्लेस कराओगे चेक इट, ए ऑफ थ्री में करेंटली क्या है कैरेक्टर इज डी, व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ डी, आस्की वैल्यू क्या 68, इस प्लेस पर सी ए के किस एलिमेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा सी ए के 68 वाले एलिमेंट में वन से इंक्रीमेंट होगा, 68 का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है जीरो, इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी वन, क्लियर। नेक्स्ट वन मीन्स चेक कर सकते हो कंट्रोल यहाँ तक आने तक ए बी सी डी के जस्ट ऑकरेंस वन वन टाइम्स अपीयर हुए हैं, तो इसलिए ओनली ए बी सी डी के केस में ऑकरेंस क्या है वन वन और रिमेनिंग सभी केस में अभी भी क्या स्टोर है जीरो जीरो, क्योंकि अदर कोई कैरेक्टर अभी तक स्ट्रिंग ए के अंदर अपीयर ही नहीं हुआ है, किसी भी प्लेस पर इंक्रीमेंट का होगा जब वो पर्टिकुलर करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर एरे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम सेम है सेकेंड केस में इंक्रीमेंट कराएंगे बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में आते हैं अगेन बी के केस में बी ऑफ एल वैल्यू इज थ्री, बी ऑफ थ्री का वैल्यू क्या है बी ऑफ थ्री में भी क्या है ऑल्सो कैरेक्टर सी, मीन्स कैरेक्टर सी रिप्लेस करेंगे लाइक दैट सी बी ऑफ कैरेक्टर सी प्लस प्लस सी बी ऑफ सी, सी के प्लेस पर क्या आएगा आस्की वैल्यू है 67 प्लस प्लस, देन इस केस में सी बी के किस एलिमेंट में इंक्रीमेंट हुआ 67 मीन्स सी अगेन इंक्रीमेंट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वैल्यू बिकम्स वन, क्लियर। नेक्स्ट वन नेक्स्ट टाइम अगेन एल प्लस प्लस होगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, देन ए ऑफ फोर में क्या है जीरो या नॉन जीरो, ए ऑफ फोर में क्या है कैरेक्टर ए मीन्स नॉन जीरो कंडीशन इज ट्रू, बी ऑफ फोर में क्या है ऑल्सो नॉन जीरो कंडीशन ट्रू मीन्स फोर लूप का कंडीशन ट्रू, देन अगेन सी ए ए ऑफ एल, ए ऑफ एल मीन्स ए ऑफ फोर और ए ऑफ फोर में क्या है कैरेक्टर ए, ए मीन्स 65, तो अगेन सी ए के अंदर किस एलिमेंट में इंक्रीमेंट होगा 65th इंडेक्स, 65 इंडेक्स में ऑलरेडी क्या है वन और वन में वन से इंक्रीमेंट कराओ तो क्या हो जाएगा टू, चेक कर सकते हो इसका वैल्यू मीन्स 65 इंडेक्स में टू हो चुका है, क्योंकि फाइनली एरे के अंदर ए कितनी बार काउंट हुआ है टू टाइम्स, इसलिए करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू भी क्या है ऑल्सो टू, मीन्स फाइनली डिफरेंट एरे के अंदर डिफरेंट इंडेक्स जस्ट आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं गिवन आस्की वैल्यू वाले कैरेक्टर्स के जस्ट ऑकरेंसेस, चेक कर सकते हो ए का ऑकरेंस फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है टू और सेकंड स्ट्रिंग में अभी तक क्या है वन, बी का ऑकरेंस फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है वन सेकंड में वन लाइक दैट, रिमेनिंग कैरेक्टर्स के ऑकरेंस कैसे अभी तक जीरो, तो इसका मतलब क्या रिमेनिंग कैरेक्टर्स अपीयर ही नहीं हुए। सेम एज सेकंड वन, सेकंड वन क्या है मीन्स बी ऑफ एल, बी ऑफ एल मीन्स बी ऑफ फोर, बी ऑफ फोर में क्या स्टोर है ऑल्सो कैरेक्टर ए मीन्स फाइनल इस केस में ए पास हुआ, ए का आस्की वैल्यू क्या 65, तो सी बी ऑफ 65 में क्या है सी बी ऑफ 65 का वैल्यू क्या है वन, जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू, तो इसका मतलब क्या है मीन्स दोनों ही एरे के अंदर अब आपकी फ्रिक्वेंसी चेक करना पॉसिबल है, मीन्स इस केस में फाइनली फिर से क्या होगा इंक्रीमेंट इन एल, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, एल का वैल्यू 5 हो चुका है इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे ए ऑफ 5 और ए ऑफ 5 में क्या स्टोर है जस्ट नल, नल मीन्स व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ नल, नल इज नथिंग बट इट इज सिंपली जीरो, जीरो तो इसका मतलब क्या फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो चुका है, यानी मैं फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपने चेक भी नहीं किया तब भी चेक भी करते तब भी बी ऑफ फाइव में भी क्या था ऑल्सो नल, सेकंड कंडीशन कैसा था ऑल्सो
फॉल्स, लेकिन एंड के केस में एंड का भी क्या, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है सेकंड टेस्ट ही नहीं हुआ देन कंट्रोल कहां जाएगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। अगर कंट्रोल लूप के बॉडी के बाहर आ चुका है इसका मतलब क्या है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऑकरेंसेस मैच हो चुके हैं, सॉरी ऑकरेंसेस काउंट हो चुके हैं, काउंट होने के बाद अवेलेबल किस में, इंटीजर एरे में। वन मोर थिंग्स, इसके जस्ट बाद अब आपको ऑकरेंसेस डायरेक्टली कंपेयर करने की जरूरत नहीं, पहले आप टेस्ट करोगे कि कंट्रोल दोनों ही स्ट्रिंग में नल होने के बाद आया है या हो सकता है केवल एक ही स्ट्रिंग में नल फाउंड हुआ हो। इस केस में जस्ट आपको चेक क्या करना, लेंथ प्रॉपर्टी। तो लेंथ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करंटली एल के अंदर जिस एलिमेंट का इंडेक्स है उस एलिमेंट को कंपेयर कराओगे, अगर दोनों ही प्लेसेस पर नल अवेलेबल है देन इसका मतलब क्या है, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ कैसा सेम। इस केस में आपके पास टू चॉइस थी, या तो दोनों स्ट्रिंग के लेंथ सेपरेटली काउंट करो देन कंपेयर करा लो, देन इस केस में एक्स्ट्रा ऑपरेशन आपको राइट डाउन करने की जरूरत थी, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन परफॉर्म होंगे। लेकिन इस केस में मैंने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन रिड्यूस करने के लिए लॉजिकली एल का वैल्यू अगेन मैंने कंसिडर कर लिया लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी मीन्स, लेकिन ये लेंथ नहीं है रियल में, हो सकता है इस केस में फर्स्ट केस में नल था लेकिन इस प्लेस पर क्या होता है कैरेक्टर समथिंग बी सी देन नल लाइक दैट। इस केस में फर्स्ट कंडीशन की वजह से फॉल्स हो चुका था देन आप चेक क्या करोगे, और इस प्लेस पर बी और फर्स्ट प्लेस पर क्या नल, तो नल अगर कंपेयर बी से होगा तो इसका मतलब क्या, अगर दोनों ही प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इसका मतलब 100% श्योर स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। अगर दोनों ही प्लेसेस पर नल हैं देन इसका मतलब क्या, आप चेक करने के लिए अगेन एप्लीकेबल हो। क्लियर? तो इस केस में नेक्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगा, मीन्स अगर कंट्रोल स्पेस तक आ चुका है तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं किसी एक स्ट्रिंग में नल आ चुका है, हो सकता है दोनों स्ट्रिंग में नल हो सकता है, लेकिन वन थिंग क्लियर है अगर कंट्रोल लूप से बाहर है तो एक तो कंडीशन फॉल्स हुआ ही होगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ देन कहीं ना कहीं किसी सिंगल स्ट्रिंग में या दोनों स्ट्रिंग में नल फाउंड हो रहा है, नल फाउंड अगर दोनों ही प्लेस पर नल है देन इसका मतलब क्या है, बोथ स्ट्रिंग्स आर हैविंग सेम लेंथ। तो यहाँ मैं लेंथ चेक करने के लिए जस्ट कंडीशन का राइट डाउन कर रहा हूँ लाइक दैट, इफ लेंथ ऑफ ए मीन्स ए ऑफ L index not equals to B of Lth index, मीन्स A के अंदर L index का वैल्यू अगर B के L index के वैल्यू के इक्वल नहीं है देन इसका मतलब क्या है, मीन्स किसी एक में नल है और दूसरे में नॉट नल है, तो इसका मतलब मीन्स दोनों के लेंथ कैसे हैं डिफरेंट, अगर लेंथ डिफरेंट है देन स्ट्रिंग कैसे होंगे एनाग्राम नॉट एनाग्राम नॉट एनाग्राम, देन रिटर्न क्या कराओगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स मीन्स जीरो। इस इमीडिएटली इस कंडीशन के फॉल्स होने के इसमें इमीडिएटली रिटर्न क्या करा देंगे जीरो, लेकिन इस केस में ए एफ फाइव में क्या स्टोर है नल नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ एल का लिखा है फाइव, बी ऑफ फाइव में भी क्या स्टोर है ऑल्सो नल, देन ये कंडीशन कैसा नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन इस केस में जीरो रिटर्न हुआ क्या नहीं, बट सपोजेड अगर स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं होता अगर स्पेस पर बी होता ए ऑफ फाइव में क्या है नल, और सपोज बी ऑफ फाइव में क्या है एरे बी के अंदर फिफ्थ इंडेक्स में क्या है कैरेक्टर बी, अगर कैरेक्टर बी होता देन इस केस में क्या था नॉट इक्वल्स टू बी, देन एक कंडीशन ट्रू हो जाता रिटर्न क्या हो जाता जीरो, और सही भी था क्योंकि अगर स्पेस पर बी होता देन स्ट्रिंग कभी भी एनाग्राम कंसीडर करना पॉसिबल नहीं था। क्लियर? इस केस में इस प्रॉपर्टी के थ्रू या इस कंडीशन के थ्रू जस्ट चेक क्या हो रहा है इनडायरेक्टली लॉजिकली लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग, इस केस में दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अगर डिफरेंट है देन ये कंडीशन ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब लेंथ डिफरेंट है और लेंथ डिफरेंट है देन स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, एनाग्राम नहीं देन इमीडिएटली आप रिटर्न क्या करा सकते हैं जीरो। नेक्स्ट वन, अगर इस कंडीशन फॉल्स मिलता है देन कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड इफ, और कंट्रोल अगर इफ के बाहर आ गया लूप के बाहर आ गया इसका मतलब क्या है दोनों स्ट्रिंग के ऑकरेंस भी काउंट हो चुके हैं प्लस दोनों स्ट्रिंग के लेंथ भी कैसे हैं एग्जैक्टली सेम, अगर लेंथ सेम है अब आपको आगे किस टाइप से कंटिन्यू करने हैं आगे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, इस करंटली एल का वैल्यू क्या हो चुका था एल वैल्यू बिकम्स फाइव, आगे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराना है, अब इस केस में एरे सी ए और सी बी के करेस्पॉन्डिंग प्लेसेस के करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर कराना है, मीन्स सी ए के जीरो इंडेक्स का एलिमेंट कंपेयर किससे हुआ सी बी के जीरो इंडेक्स से, सी ए के वन इंडेक्स का एलिमेंट कंपेयर किससे हुआ सी बी के वन इंडेक्स से, अगर स्ट्रिंग एनाग्राम है देन सी ए और सी बी के अंदर सेम इंडेक्स में वैल्यू भी कैसे होना चाहिए सेम, जैसे मैं इस केस में जीरो की वमी से कंपेरिजन तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है से कैरेक्टर नहीं भी है अभी करंट स्ट्रिंग में तो नहीं है लेकिन रन टाइम इनपुट के लिए कि आप श्योर थोड़ी होगी उस केस में मीन्स रन टाइम पर इधर किस टाइप का स्ट्रिंग एंटर करने वाला, इसलिए कंपेरिजन सभी केस में कराओगे, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो इंडेक्स, कब तक यहाँ फिक्स्ड है लूप कब तक चलाना है अप टू 255, तो अगेन आप लूप एग्जीक्यूट कराओ, लेकिन लूप का पर्पज क्या है जस्ट चेकिंग ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन बोथ स्ट्रिंग, तो अगेन लूप चलाने के लिए मैं फिर से अब एल की वैल्यू आपको कहीं रिक्वायर्ड नहीं है
डायरेक्टली मैंने एल को फिर से रीयूज कर लिया, एल का इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो, प्लस लूप कब तक चलाना, जब तक एल का वैल्यू 255 से छोटा या 255 के इक्वल है, क्लियर, या फिर अगर लेस देन इक्वल राइट नहीं करते हैं सिंपली यूज कर सकते हो लेस देन, देन इस केस में राइट किया 256, मीन से लूप कब तक चलेगा, जब तक एल का वैल्यू 256 से छोटा है, देन एवरी टाइम एल प्लस प्लस, क्लियर। देन इसके अंदर लूप के अंदर जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन में राइट डाउन क्या करोगे, इफ वैल्यू ऑफ सी ए ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी बी ऑफ एल, एल मीन्स क्या सेम पोजिशन इन एरे ए और एरे बी, मीन्स इंटीजर एरे सी ए एंड सी बी, सी ए और सी बी के मीन्स दोनों ही केस में सेम इंडेक्स पास हो रहा है, उसका मतलब क्या सेम एलिमेंट कंपेयर होंगे, प्लस एल का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा जीरो, सेकेंड टाइम वन, फर्स्ट टाइम जीरो होगा तो कंपेरिजन किस इंडेक्स के लिए हुआ, जीरो इंडेक्स के लिए, नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा वन, कंपेरिजन किसके लिए हुआ वन के लिए, लाइक दैट। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या समथिंग 65, एल का वैल्यू का 65 है तो इस केस में किस इंडेक्स का एलिमेंट कंपेयर होगा 65 इंडेक्स, और 65 इंडेक्स में वैल्यू कैसे है सेम ऑकरेंस, इसका मतलब क्या है कैरेक्टर ए, मीन 65 मीन्स कैरेक्टर ए, कैरेक्टर ए का ऑकरेंस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर भी 2 टाइम अपीयर हुआ और सेकंड स्ट्रिंग में 2 टाइम, इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग कैसा है एनाग्राम, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम फिर से एल का वैल्यू 65 होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 66, तो नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किस इंडेक्स के लिए होगा 66, तो 66 इंडेक्स में भी चेक करो सी ए और सी बी के 66 इंडेक्स में, सी ए एंड सी बी दोनों में 66 इंडेक्स में वैल्यूज कैसे हैं अगेन सेम सेम है, तो मीन्स अगेन ये कंडीशन कैसा ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, क्यों इस केस में कंपेरिजन किसका हुआ वन नॉट इक्वल टू वन, क्यों 66 में क्या है वन और 60 पहले 65 की बात करें 65 में क्या था 2 नॉट इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट टाइम 66 इंडेक्स में क्या है 1 और सी बी के अंदर भी 66 इंडेक्स में क्या है ऑल्सो 1, 1 नॉट इक्वल 1 अगेन कंडीशन फॉल्स, मीन्स मैंने नॉट इक्वल के लिए कंपेयर किया न कि इक्वल, क्लियर। जैसे ही मीन सपोज दैट अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर C के ऑकरेंस कितने 1 और D के ऑकरेंस कितने समथिंग 3, ओनली एजम्पशंस की बात करूँगा, C सेकंड स्ट्रिंग में 3 टाइम अपीयर हुआ फर्स्ट स्ट्रिंग में 1 टाइम, तो इस केस में जैसे ही L का वैल्यू 67 होगा इंक्रीमेंट होने के बाद दैट इंक्रीमेंट, जैसे लूप के अकॉर्डिंग जैसे इंक्रीमेंट होगा तो L की वैल्यू क्या है 67, तो देन चेक क्या करें सी ए ऑफ 67 नॉट इक्वल्स टू सी बी ऑफ 67, और दोनों में सी ए के अंदर 67 में क्या वैल्यू है 1 और CB के अंदर 67 क्या मैंने एज्यूम किया है 63, अगर स्पेस पर 3 है देन 1 नॉट इक्वल्स टू 3 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है मींस इसका मतलब क्या है A का ऑकरेंस फर्स्ट स्ट्रिंग में 1 टाइम है सेकंड स्ट्रिंग में 3 टाइम, मींस दोनों स्ट्रिंग में सेम ऑकरेंस है डिफरेंट ऑकरेंस है, देन उसके साथ बोल सकते हो स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई होता है इसका मतलब क्या है इसे डिफरेंट ऑकरेंस फाउंड हो चुके हैं, अगर डिफरेंट ऑकरेंस फाउंड हुए सेम कैरेक्टर के लिए देन आप अगेन बोल सकते हो स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, देन इमीडिएटली रिटर्न क्या करा हुआ रिटर्न जीरो, जीरो मीन्स अगेन फॉल्स, दिस इज द पर्पज ऑफ दैट फॉर लूप, इस लूप के थ्रू इसे ऑल करेस्पॉन्डिंग प्लेसेस कंपेयर होंगे, कंपेरिजन कब तक चलेगा दो केस हैं, या तो एल का वैल्यू 256 हो जाएगा या फिर इफ कंडीशन ट्रू जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न को चांस मिलेगा, रिटर्न से भी कंट्रोल कहाँ जाएगा कॉलिंग प्लेस पर, या फिर लूप के थ्रू कंडीशन फॉल्स होगा, अगर इफ कंडीशन अगर एक बार भी ट्रू है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच ऑकरेंस फाउंड हुए हैं स्ट्रिंग कैसे नॉट एनाग्राम, रिटर्न के थ्रू लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन अगर सपोज दैट सारे ऑकरेंस सेम है देन इस केस में कभी भी इफ कंडीशन ट्रू हुआ क्या नहीं, इफ कंडीशन सभी केस में कैसा फॉल्स, देन उस केस में फाइनली जैसे ही एल का वैल्यू 255 के बाद 256 हो जाएगा देन इमीडिएटली लूप का कंडीशन कैसा हो जाएगा फॉल्स, लूप का कंडीशन फॉल्स है कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, अगर कंट्रोल लूप के बाहर आ चुका है इसका मतलब क्या मीन्स डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऑकरेंस सभी प्लेसेस पर एग्जैक्टली सेम ऑकरेंस फाउंड हो रहा है, अगर सेम ऑकरेंस फाउंड होता है ना स्ट्रिंग कैसा स्ट्रिंग इज एनाग्राम, देन आप इमीडिएटली लूप के बाद आप रिटर्न क्या करा वो ट्रू, ट्रू मीन्स वन, दिस इज द कंप्लीट लॉजिक ऑफ चेकिंग गिवन स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट, चेक कर सकते हो इस केस में एग्जैक्टली मैंने 2 टाइम्स फॉर लूप यूज किए हैं, लेकिन 2 टाइम्स फॉर लूप नेस्टेड फॉर्मेट में और इंडिपेंडेंटली मीन्स फर्स्ट केस में लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो सकता है एन टाइम, सेकेंड लूप भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा
256 टाइम, 256 मींस क्या, n टाइम ऑफ कांस्टेंट मींस या फिक्स्ड है 256 मींस कांस्टेंट टाइम। अगर आप एल्गोरिथम चेक करते हैं एल्गोरिथम में कभी कांस्टेंट टाइम काउंट होता है इधर 1 देन, लेकिन ये लूप कितनी बार चलेगा डिपेंड करेगा लेंथ के, लेंथ क्या होगा n, इसलिए इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n मींस इस केस में सेम। अगर आप अदर लॉजिक फॉलो करो तो उस केस में क्या होगा मे बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दिस इज द बेस्ट लॉजिक फॉर चेकिंग टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। देन टेस्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करोगे मेन फंक्शन void main, देन चेक करने के लिए आपको स्ट्रिंग्स कितने रिक्वायर्ड है टू स्ट्रिंग्स, अगेन मैंने टू स्ट्रिंग क्रिएट किए विद सेम साइज 100 समथिंग, देन टू स्ट्रिंग लिए जस्ट इनपुट रिटर्न कराएंगे यूजिंग गेट्स, गेट्स ए गेट्स बी, दोनों स्ट्रिंग रीड करने के जस्ट बाद नेक्स्ट केस आप कॉल क्या कर लोगे इज ए एनाग्राम, इज ए एनाग्राम से रिटर्न किया वो आइदर ट्रू और फॉल्स, देन ये डायरेक्टली कॉल करा के आप कॉल कराओगे इन साइड इफ, इफ के केस मैंने कॉल करा इज एनाग्राम फंक्शन, और एज एनाग्राम के अंदर टू स्ट्रिंग पास करेंगे ए और बी जिन्हें स्ट्रिंग को आप चेक करना चाहते हो, देन इसे फंक्शन से रिटर्न किया हुआ आइदर ट्रू और फॉल्स या तो वन या फिर जीरो, अगर वन आया है देन कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू देन इसका मतलब स्ट्रिंग कैसे है स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम यस स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी करेस्पॉन्डिंग मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। अगर इस प्लेस पर जीरो आया देन कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मीन्स स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, देन एल्स लॉग में डिस्प्ले क्या कराएंगे जस्ट अदर मैसेज एज नो स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, क्लियर। इस लॉजिक के थ्रू टू स्ट्रिंग के एनाग्राम प्रॉपर्टी चेक करना पॉसिबल है।